Sociology of Development, Topic 71. Government of Pakistan's schemes and programs for place development. Addressing lead capture and making the government system work for equality, a new constitutional amendment to move Article 38D from the Principles of Policy section into the Fundamental Rights section. Increase in social protection spending. Constitutionally, jo principle of policy hai, usse jo social protection hai, social protection pe jo spendings hai, unhe fundamental rights mein shift kiya gaya hai. Creation of the Ministry of Social Protection and Poverty Alleviation to address current fragmentation, such as Benzir Income Support Program, Pakistan Baitul Mal, Zakat, Pakistan Poverty Alleviation Fund, Trust for Voluntary Organizations, जो बहुत सी चीजें, बहुत सी organizations, बहुत से initiatives जो काम कर रहे हैं poverty alleviation में, बुनियादी तौर पे उन सब को एक umbrella में support करना, that is the Ministry of Social Protection and Poverty Alleviation, कि लोगों की social protection हो, जो basic human needs हैं, जो basic health की needs हैं, basic education है, shelter है, एक्सेस टू फूड है, कि किसी को मल न्यूट्रिशन ना हो, किसी को ये ना हो कि पेट भर के खाना खाने के लिए ना मिले, द बेसिक ट्रेनिंग्स एंड द मैकेनिज्म फॉर देयर सोशल अपलिफ्ट, टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर देम, टू इनेबल देम टू अर्न फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज. बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है अपने सिटीजन की सोशल अपलिफ्ट के लिए. इसी तरह के ही जो फोकस है, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल प्रोटेक्शन एंड पॉवर्टी एलिवेशन, के लोगों की सोशल प्रोटेक्शन की जाए, उनकी हेल्थ, एजुकेशन, उनके बेसिक राइट्स तक जो एक्सेस है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज तक एक्सेस है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए और पॉवर्टी एलिवेशन की जाए, उन्हें इनेबल किया जाए कि वो कमा सकें, खुद भी खा सकें, अपनी फैमिलीज को भी संभाल सकें और एज अ पॉजिटिव सिटीजन सोसाइटी में रोल प्ले कर सकें. Creation of a one-window social protection operation to assist beneficiaries of social protection to reduce duplication and abuse. बहुत सारे इदारे एक ही सेक्टर में काम कर रहे हैं. पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है. उसमें प्रॉब्लम होती है कि कहीं एक ही बेनिफिशरी जो है ये दो दो तीन तीन तरह के रिसोर्सेज से बेनिफिट्स ना ले रहा हो, और दूसरी तरफ जो एक्चुअल जो इसके हकदार हैं उन तक वो पहुंच ही ना पा रहा हो. तो उस चीज पे ओवरकम करने के लिए भी वन विंडो सोशल प्रोटेक्शन का जो सिस्टम है वो शुरू किया गया है, कि जैसे किसी के पास आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड के जरिए ये पता चल सके कि ये इसकी इनकम कितनी है, इसको कितने रिसोर्सेज चाहिए गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट के थ्रू, इस इंडिविजुअल को, मेल को या फीमेल को इतने रिसोर्सेज मिल रहे हैं, इतनी इसकी फैमिली है, आगे इसको इतने रिसोर्सेज चाहिए, इसकी इनकम ऐसी है, इसको इकोनॉमिक अपलिफ्ट के लिए इस एज में है, कोई बिजनेस किसी के लिए सपोर्ट करना चाहिए या किसी और तरह की कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें वो रोल प्ले कर सकती है. प्रो पुअर गोल्स, के जो पुअर स्टेटा है सोसाइटी का, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज एलोकेशन टूवर्ड्स देम, कि उनको रिसोर्सेज एलोकेट करके उनकी बेहतरी के मुख्तलिफ रास्ते निकाले जाए. तो दीज आर द प्रोग्राम्स विच फोकस टू अपलिफ्ट द पुअर क्लास ऑफ सोसाइटी, to make them the productive citizens in terms of social protection by eradicating the poverty level from the individuals, from within the society, to improve their living conditions, unki jo zindagi ki bunyadi zaruriyat hain, by providing them the basic needs. Ye ki priority earmarking of resources for pro poor sectors to prevent challenging channeling of resources to other sectors through ad hoc decision making. कि ऐसा ना हो कि एक certain sector को resources जहां चाहिए, बजाय उन्हें देने के कोई ऐसा mechanism हो कि ad hoc decision making से कोई इधर resources लगा दिए, इधर लगा दिए, जहां actual लगने चाहिए वहां लगे ही नहीं. A need based system in national framework of the new National Finance Commission Award. फाइनेंस कमीशन अवार्ड है, उसमें प्रोवेंशियल फाइनेंस कमीशन जो हैं, उन्हें इनकर्ज किया गया है कि वो अपने सिस्टम्स बनाएं, उन्हें मजबूत करें फेडरल गवर्नमेंट के साथ, जो है उसे अलाइन करें
ताकि जो है मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है वो पॉपुलेशन गेन कर सके. पॉलिसी टू मैक्सिमाइज द प्रो पुअर इम्पैक्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम रिसोर्सेज. जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम एनुअल देती है गवर्नमेंट, जिसमें डेवलपमेंट की स्कीम्स होती हैं, उसको प्रो पुअर बनाया जाए कि जो डिप्राइव्ड लोग हैं सोसाइटी के, रिसोर्सेज एलोकेशन उनकी तरफ की जाए ताकि वो प्रोडक्टिव सिटीजन बन सकें.